से समझा रहे कि दिमाग में चल जाए आपके। ऐसे अब साहब जब 70-75 के हो गए तो इतना गड़बड़ हो गया कि साहब इन्हें पागल घोषित कर दिया गया। कोई पुराने लोग यहां बुरा नहीं मानना, बैठे तो खैर बहुत है, लेकिन इन्हें पागल घोषित किया गया 75 के बाद। क्यों? लड़का बहू ने पूरे मोहल्ला भर में कह दी कि देखो जो कहो सो हमसे कहो करो, भी तो पागल है दो जने का, उन्हें बुद्धि नहीं है बिल्कुल ठिकाने, उनसे बोलो ही ना करे बिल्कुल, पागल और घोषित कर देंगे दो जने साहब, देखो तमाशा। अच्छा यह नहीं है कि लड़का बहू की गलती है, ना ना ना, हम जो बात कहेंगे प्रमाण देंगे, लड़का बहू ने मजबूरी में पागल घोषित किया, क्योंकि तुम्हारे कुछ कारनामे ऐसे हैं कि वो पागलों की तरह इशारा ही है उसका। भैया प्रचार करो, जब तुम दुआरे चारपाई बैठे, तुम्हें चाय मिल गई, बड़ा अच्छी बात, बिस्कुट मिल गए ठीक है, रोटी मिल गई क्या आनंद आ रहा, दूध मिल, सब तुम्हें ठिया पे मिल रहा, कोई परेशानी नहीं है, तो नीके अपे माला फेरो सीताराम सीताराम। या तुम्हारी कौन सी आदत है कि तुम गेट के सामने ही बैठोगे, और फिर आदत ये है कि पूरे दिन आए जो को आए को हो हिया आओ आए यो को गो बोलते नहीं आए को हो, पूरे दिन तमाशा करने की क्या जरूरत। फिर वह बहू खिसी आती है कि चुप्पा नहीं बैठ सकते, फिर रोन लगाते हैं भगवान तो ममई सुन ले, भगवान अब सुन नहीं रहे, भगवान काहे को सुनेंगे तुम्हारी, तुमने भगवान की सुनी जिंदगी में है? तुमने दूसरे की मेड़े काटी, 10 को ब्याज लो, किलो को 900 ग्राम तोलो, वो तो भगवान लिखे धरे पूरी फाय, भगवान ने कही अब तुम भोग हो, हम नहीं सुन रहे तुम्हारे, अब भगवान सुन लेगा। बहू डांट रही उल्टी सीधी कह रही है तुम्हें आदत सुधारने ही नहीं है, राम राम जपो सीता राम बोलो, कहा जरूरत है, ओ गो आए ओ हो, कहा मतलब तुम्हें रोटी मिली चुप्पा सीता राम कर जान दे जो गो ना, मानते ही नहीं सब। अब बहू फिर खिसी आती है, फिर रोते हैं, भगवान तुम हमारी सुन लो, जा दिन ते जो आयो बुढ़ापा, काऊ न थो सहारो बुढ़ापा आए गयो हत्यारो, एक बहू से पानी मांगो तो लोटा फेंक के मारो, बुढ़ापा आए गयो हत्यारो, घर के लड़का भीतर सो में मोहजा सड़क पे डारो। बड़ी हालत खराब बुढ़ापे की, कोई नहीं सुन रहा, बेचारे बहुत रोते हैं। तो हमने कहा हमें तो बताओ समस्या क्या है, बात हमें तो बताओ, बोले तुम्हें नहीं बताएंगे तुम भागवत में कह दोगे, हमने कहा तुम्हारी कसम ना कहेंगे बताओ, फिर बाने हमने बताई नहीं दिल की बात, तो हम तो बिना कहे मानेंगे नहीं साहब, सुन लो उस, हमने कहा काय रो रहे, क्या बात बताओ, लड़का बहू ने कुछ कहा है, बोले लड़का बहू की बात नहीं है महाराज। तो हमने की फिर कहा बीमारी से दिक्कत, बोले बीमारी कोई नहीं है हमें। तो हमने की फिर क्या मतलब बुढ़ापे से दिक्कत, बोले ना कोई दिक्कत नहीं, अब एक समस्या है वो हम क्या कह दें तुमसे, हमने हमें बताओ तो, हम लड़का बहू को नहीं रोए रहे ना बीमारी को रो रहे, एक ही बात को हम सोच कर रोए रहे कि हमसे पहले डुको चली गई जिनको हतो सहारो। अब हम कह नहीं सकते, तो जिन पे बीत रही वे समझ गए होंगे, देखो बुढ़ापे में बहुत याद आती, सही बताए रे, देखो बुढ़ापे में तीन ही सहारा, या तो दूध या दवा या दारा, या तो बुढ़ापे में दूध मिले तो बुढ़ापो कट जाए, या कोई लड़का डॉक्टर हो तो बुढ़ापा ठीक, या पत्नी बनी हो, वह भले उपाय ना दावे भले सेवा न करे, लेकिन इतनो जरूर करेगी कि दिन में दो चार दाएं पूछ तहु लिए तुम्हें कछ मिलो कि अब ऐसे ही बैठे, वह है नहीं है तो कोई नहीं, पूछ रहो खाओ से भरे रहो, इन्हें क्या देना देना है साहब। हालत खराब, दिनों दिन बुढ़ापा आ रहा, मोहल्ला भर के आदमी जमा, कछु दान पुण्य कर ले, भागवत हो रही दान पुण्य करो है, कछु पैसा खर्च करो, अब है नहीं करें तो कब करे हो, आखिरी टाइम पर करें, जैसे फाइल ऊपर बनी रहे, जने कहां दब जाए, माने 100 रुपया दान ही नहीं करे जिंदगी में नहीं करे, आखिरी में करबे तैयार नहीं, हेलो अब आखिरी में करेंगे आखिरी में। और आखिरी की स्थिति क्या हुई, 15 दिना से बोले ही बंद होएगा,
ना उठ पाए रहे ना बैठ पाए रहे, बोल बन मोहल्ला भर देखा ना आए रहो, गांव भर इकट्ठो। अब सब कह रहे सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, बोले तो जब कछु बोले ही नहीं पाए रहे, कछु दान पुण्य कर लियो कन्यान को, पंडित दान करो दान करो। खैर माने सुन ली, बोल तो नहीं पाए रहो लेकिन माने इशारा करो। अलमारी से देव तो बांट दे। गांव वाले बोले कि देखो लड़ा, देखो इशारा कर रहे तुम लोग समझो का कह रहे। लड़का बहुत नंबर एक के थे, लड़का बोले कि जे जा कह रहे कि रुपया जो है तो सो इलाज में बर्बाद हो गो, दिवाले बची है कुछ नहीं बचू। लड़कन ने दो पैसा नहीं दे दो साहब, रोए के मर गए। ये हम उन्हें सुनाए रहे जो लोग दबाएं धरे हैं। अरे निकारो साहब, काय को दबाएं धरे, वो लड़का नहीं करने देंगे कुछ। सो वो अंदर ही अंदर मामला गड़बड़। अब सब इकट्ठे हैं, बिल्कुल मरने जा रहे, आखिरी सांस बची है। राम राम कहो, सीताराम बोलो, राम 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 राम। अब राम राम बोले तो तब जब जिंदगी में बोली हो। सुना है आज महफिल में बड़ी रफ्तागरी होगी, और निकलेगा वही मुंह से जो दिल में भरी होगी। अब वो राम राम बोले तब ना, जब उसने जिंदगी में राम राम कही होगी तब तो बोलेगा। बोलो राम राम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो। वो तो बोल ही नहीं रहा, ऐसा कैसे हो कि इसके मुंह से राम राम निकले। कोई तरीका तो हो, राम राम एक बार तो मुंह से कह दे, लेकिन सांप कहेगा तो जो जीवन में कभी कहा होगा। सुना है आज महफिल में बड़ी रफ्तागरी होगी, और निकलेगा वही मुंह से जो दिल में भरी होगी। अगर दिल में राम राम भरा है तो निकलेगा। और